नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज द आर्टिकल में आप सभी का स्वागत है। बड़ी और विशेष खबर आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर अभी अभी भाजपा में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई, जी हां चौधरी कुलदीप बिश्नोई, जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, और आज ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ओपन चैलेंज कर दिया है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा कि अगर मैं एक साल भी अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाऊं तो हरियाणा के हर हल्के से चुनाव लड़कर दिखा सकता हूं, चुनाव जीतकर भी दिखा सकता हूं, ऐसा चैलेंज उन्होंने किया है। आप उनकी वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार से। मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा, मैं मंत्री नहीं रहा, मैं कुछ नहीं रहा, फिर भी मैं कह रहा हूँ मेरे बेटे के खिलाफ मैं इस्तीफा दे दूँगा। चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा, कोई भी मंत्री नहीं रहा, फिर भी आप मेरे बेटे के खिलाफ चुनाव लड़कर नहीं जीत सकते हैं। इसी बीच मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा ज्वाइनिंग के बाद पहली बार उनका कांग्रेस के खिलाफ बयान आया है। मोहनलाल सरकार में तीसरा उपचुनाव होने जा रहा है। आपको बता दूँ कि पहले दोनों उपचुनाव की हार भुला देंगे। कुलदीप ने कहा कि दुष्यंत बृजेंद्र और अब तीनों एक ही पार्टी में है, तीनों प्रतिद्वंदी इकट्ठा हो गए तो ट्रिपल पावर हो गई है, इसलिए घबराहट कांग्रेस के लोगों को होनी चाहिए। उन्हें पसीना आ रहा है, भाजपा में कोई लड़ा नहीं है, सभी पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेता माने जाते हैं। बिश्नोई ने कहा कि सोनाली फोगाट के साथ एक घंटा चाय पर चर्चा की, सारे मन मुटाव दूर हो गए, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत दावा करते हैं कि सीएम रहते हुए उन्होंने बहुत विकास किया, वे क्यों नहीं चुनाव लड़ते। भूपेंद्र की सरकार प्रॉपर्टी डीलर की सरकार थी, सीएलयू की सरकार थी, वे जानते हैं कि उनके कार्यालय में केवल एक ही एरिया का विकास हुआ, इसी घबराहट के चलते वे चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा, कभी मंत्री नहीं रहा, फिर भी मैं चैलेंज करता हूं कि वे मेरे बेटे के खिलाफ चुनाव लड़कर देख लें। मैं यदि एक साल के लिए भी मुख्यमंत्री बन जाऊं तो हरियाणा के हर हल्के से चुनाव लड़कर दिखा दूं। बिश्नोई ने कहा कि दीपेंद्र को चुनाव में उतारते हैं तो मजा आ जाएगा, दो दो हाथ हो जाएंगे। आदमपुर का चुनाव भजनलाल परिवार का नहीं होता बल्कि आदमपुर की जनता का होता है। भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार कुलदीप बिश्नोई ने मीडिया के सामने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज किया। सोनाली फोगाट से मुलाकात कर सभी मन मुटाव दूर किए, इसको लेकर आपका क्या मानना है आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा द आर्टिकल के साथ, बने रहिएगा। जय हिंद।